क्या कभी कैलाश जी को डर लगा क्वारंटाइन सेंटर जाते हुए, अस्पताल परिसर जाते हुए? नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगता है, पर हाँ घर के लोग बहुत डरते हैं। मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ कि मैं घर में नहीं सोया, नीचे सोया। पर अब क्या कि इंदौर के प्रति, इंदौर ने हमें बहुत दिया है और बदनाम हो गया, क्योंकि इंदौर ने जितनी आम जितनी प्रसिद्धि जो है स्वच्छता के मामले में कमाई, वो सब बदनामी में तब्दील हो गई। अब कैसे इसकी भरपाई होगी? कि मेरे पास अमेरिका से फोन आए, कनाडा से फोन आए, मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था, बाकी दुनिया ने उसको बड़ा सीरियस लिया, तो मैं एकदम घबरा गया। फिर मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत बदनामी वाला काम है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, इसलिए इसमें कड़क एक्शन लेना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में आना फायदेमंद है देश के लिए भी, पार्टी के लिए? उनके आने से उनका खुद का भी फायदा है, पार्टी का भी फायदा है। गौरव रणदीवे की नियुक्ति भी कैलाश विजयवर्गीय जी ने कराई। गोपी, भंवर सिंह शेखावत, महेंद्र हार्डिया, पंकज संघवी, कैलाश विजयवर्गीय, ललित सोरवाल, हम सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, हम सबको टिकट मिल गया। वो नेता जिन्हें आप कांग्रेस से बीजेपी में लाए, प्रेमचंद गुड्डू, अब वही वापस कांग्रेस में जाने की बात कर रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू जी को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलना चाहिए जी, वो सम्मान नहीं मिला। यदि वो सम्मान मिला होता तो वो आज कांग्रेस में नहीं।